हेलो गाइस, हाय, आई एम अमन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, फाइनली मैंने ब्रह्मास्त्र मूवी देख ली है और मुझे जो मूवी से रिलाइज़ हुआ है वो मैं आपको इस रिव्यू के माध्यम से बताऊंगा। सो प्लीज़ वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए एंड वीडियो को फुल वॉच कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे सो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर जरूर बताएं, और चैनल कीजिए सब्सक्राइब ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ सो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, शुरुआत करते हैं मूवी के टाइटल से, ब्रह्मास्त्र आखिर है क्या। मूवी में हमें दिखाया गया है कि ब्रह्मास्त्र एक ऐसी शक्ति है जिससे संसार को नष्ट किया जा सकता है और संसार का निर्माण भी किया जा सकता है। यूं मीन कि उसमें इतनी पावरफुल शक्तियां हैं कि हम उससे सभी अस्त्रों का, वो एक तरह से देवता है, हम कह सकते हैं कि वो सबसे बड़ा अस्त्र है इस अस्त्र यूनिवर्स में, और अच्छाई बुराई की लड़ाई को दिखाने की कोशिश की गई है इसमें। सो ओवरऑल अगर मैं आपको पूरी स्टोरी बताऊंगा आपका इंटरेस्ट खो जाएगा मूवी के लिए, सो मैं आपको वो इतना रिवील नहीं करूँगा। सो प्लीज़ वो आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। और मैं आपको बता देता हूँ कि मुझे मूवी में गाइस 100% में से 70% मूवी अच्छी लगी है, और 30% मूवी मुझे गाइस इतनी अच्छी नहीं लगी है। सो वो मैं आपको किन रीजनों से मेरे को अच्छी नहीं लगी है वो मैं आपको इस रिव्यू के माध्यम से बताऊंगा। सो प्लीज़ वीडियो पर बने रहिए एंड वीडियो को वॉच कीजिए लास्ट तक। सो गाइस, अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। सो गाइस, फुल मूवी में देखिए मेरे को दो करेक्टर सबसे अच्छे लगे हैं एंड मेरे बेस्ट सीन भी मैं उन्हीं को कहूँगा, एक अकिनेनी नागार्जुना एंड दूसरा शाहरुख खान का कैमियो रोल। सो गाइस, चलिए शाहरुख खान से शुरुआत करते हैं। आप शाहरुख खान के 50 मिनट को एक तरफ रख लीजिए और फुल मूवी को एक तरफ रख लीजिए गाइस, कसम से कह रहा गाइस, दिल से शाहरुख खान ने 50 मिनट में ही ना पूरी मूवी को अपना बना लिया गाइस, दिल से बोल रहा हूँ। आप पूरी मूवी में आपको इतना रोल दिया गया, अब मूवी में कनेक्ट नहीं कर पाए ऑडियंस को, बट शाहरुख खान ने दिल से ही 50 मिनट में ही ना पर्दा फाड़ दिया गाइस पूरा। आप देखिए जब वो एक्शन सीन करते हैं ना, स्टार्टिंग में जो उनका कैमियो दिखाया गया, उस आग को इस तरह से पैर से उछाल कर मारते हैं यार, क्या डिफरेंट हॉलीवुड मार्वल वाली फील आ रही थी उस टाइम। 3D में आपको इसमें कुछ भी बेकार नहीं लगेगा क्योंकि विजुअल इतने अच्छे बनाए गए हैं इस मूवी के। सो गाइज, अब बात करते हैं अकिनेनी नागार्जुना। गाइज, उनकी परफॉर्मेंस भी मेरे को बहुत अच्छी लगी, दिल से बोल रहा हूँ गाइज। उनका एक सीन है मूवी में, वो ट्रक वाला, जब ट्रक को ऐसे रोकते हैं ना, उनको इस मूवी में ना नंदी अस्त्र का रोल दिया गया है, एंड जब अपनी पावर से वो उस ट्रक को उड़ाते हैं ना यार, वो बहुत अच्छा लगता है गाइज दिल से, और दिल से ना गाइज गूज़बम्प आने लगते हैं, लिटरली मैं बोल रहा हूँ। ये दो करेक्टर एक ऐसे हैं ना मूवी में, इन दोनों करेक्टर ने ही ना मूवी में जान डाल कर रखी हुई है गाइस। बाकी करेक्टर आप देखोगे ना आपको इतना फील नहीं कर पाओगे, बट ये जो दो करेक्टर हैं ना इन्होंने अपना पूरा पैसा वसूल कर दिया है मूवी का। सो गाइस, अब बात करते हैं रणबीर कपूर की। गाइस देखिए, उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी लगी है मेरे को, उन्होंने जो एक्शन किया उनके लिए डिफरेंट भी है पहले से, क्योंकि पहली बार इतना VFX में काम किया उन्होंने, एंड इस मूवी में तो आपको VFX ओवरऑल ही देखने के लिए मिल रहा है, हर एक सीन में आपको VFX देखने के लिए ही मिलेगा। सो उनके लिए भी ये डिफरेंट रोल था, और उन्होंने भी बहुत अच्छे से इस रोल को निभाया है, एंड डैशिंग भी पूरे लग रहे हैं इसमें, और जो उनका वर्ल्ड प्ले है, जो बोलने का तरीका है उनका, वो भी अच्छा लग रहा है। सो ओवरऑल गाइस, रणबीर कपूर भी आउटस्टैंडिंग लग रहे हैं, और एक्टिंग तो उनमें पहले से ही है। आप कोई भी मूवी देख लीजिए, शमशेर आई, उसमें भी उन्होंने परफॉर्मेंस अच्छी दी थी, बट वो मूवी फ्लॉप गई। सो अब इस मूवी में भी उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस अच्छी दी है। और अब गाइस, आलिया भट्ट की तरफ चलते हैं। जब भी स्क्रीन पर आएगी पक्का लव, ओनली लव दिखेगा आपको, बाकी कुछ है ही नहीं यार। इतना लव एंगल दिखाया गया है ना, आप एक यूनिवर्स बना रहे हो, आप एक लव एंगल इतना कैसे दिखा सकते हो। मानते हैं कि मूवी में लव एंगल होना ज़रूरी है, बट यार तुम्हें थोड़ा दिखाना चाहिए। आप पूरी मूवी में ना लव एंगल ही चलता है, प्रपोज तक नहीं कर पाते, हाफ के बाद ही प्रपोज कर पाते हैं अच्छे से वो दोनों, एंड क्लोज आने लगते हैं। इतना यार लव अफेयर इतना बड़ा दिखाने की कोशिश की गई है, एंड मूवी देखने से मालूम ही पड़ रहा था कि मूवी को ना थोड़ा खींचा गया है, लंबा बनाने की कोशिश की गई है मूवी को। और गाइज, अब अमिताभ बच्चन के रोल की बात करते हैं।
कसम से गाइस देखिए, उन्होंने जो गुरु का रोल निभाया है ना, सबसे पहले तो उनकी नशीली वॉइस है ना जो गाइस, जिस हिसाब से वो अपना बोलने का तरीका देखिए, जब स्टार्टिंग में भी हमें डिफाइन करते हैं कि ब्रह्मास्त्र क्या है, लिटरली उनके उनकी तो वॉइस में ही गूज बम्ब आने लगते हैं गाइस। और उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छे से निभाई है, जितना उनको रोल मिला सो उन्हें निभाया गया। बाकी अगर मैं पूरी मूवी की ओवरऑल बात करूँ ना, सो सबसे ज़्यादा स्क्रीन रणवीर और आलिया पर ही ज़्यादा फोकस रखा गया है, उन दोनों को ही ज़्यादा दिखाया गया है मूवी में, बट वो दोनों ही ऑडियंस को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं मूवी में। और मोनी रॉय की बात करते हैं गाइज, मोनी रॉय का किरदार अच्छा है, बट देखने में अच्छा लगता है, बट नाटकों वाली फीलिंग आ रही थी उसमें से, दिल से बोल देता हूँ, नाटक वाली फीलिंग आई मेरे को तो नागिन सीन 3 यही आ रहा। बाकी यार कुछ भी इतना डिफरेंट नहीं था, उनकी एक्टिंग कुछ नयापन देखने के लिए मिले, या उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से एक रियल की तरह, उनकी परफॉर्मेंस भी नहीं लग रही थी एक विलन की तरह। अब बात करते हैं गाइज इस मूवी के नेगेटिव पॉइंट की। सो गाइज सबसे फर्स्ट पॉइंट मेरे को इस मूवी की राइटिंग लगी है। आप एक यूनिवर्स मूवी बना रहे हो, आप एक लव एंगल इतना कैसे डाल सकते हो? आपने इतना लव एंगल डाला है कि वो तो अट्रैक्ट भी नहीं कर पा रहा लव एंगल पब्लिक को। आप पब्लिक की तरह सोच कर देखिए ना, अगर आप राइटिंग लिख रहे हो मूवी को, सो आप पब्लिक की तरह सोच के लिखिए कि पब्लिक को क्या पसंद आता है। लव स्टोरी आप एक यूनिवर्स बना रहे हो एंड उसमें आप लव स्टोरी दिखाओगे एंड तक, यार ब्रह्मास्त्र को आपने लव स्टोरी बना दिया। अब लास्ट में आपने डिफाइन किया जब कि ब्रह्मास्त्र एक प्यार मोहब्बत की कहानी है। और गाइस दूसरा अब नेगेटिव पॉइंट आलिया भट्ट की परफॉर्मेंस। देखिए लव का जो उनका एंगल था, एक्टिंग अच्छी की है उन्होंने, बट यार वो रियलाइज ही नहीं होता मूवी देखते हुए, तो कनेक्ट भी नहीं हो पा रहा था मैं उनकी परफॉर्मेंस से कि मैं तारीफ करूं उनकी यार कि ये वाला तो यार आउटस्टैंडिंग है, कुछ अच्छा दिखा नहीं उनकी परफॉर्मेंस में। एक्चुअली में उनका भी क्या कसूर है इसमें, क्योंकि राइटिंग उन्होंने तो लिखी नहीं है मूवी, राइटिंग अयान मुखर्जी ने लिखी है, सो उन्हें अच्छे से मूवी को लिखना चाहिए था। एंड इसको टेंट में इतनी जान है ना, अब इसका जो सेकंड पार्ट आएगा अब भी इसको बहुत बढ़िया बना सकते हैं वो। एंड इस मूवी में सबसे बड़ी मिस्टेक मेरे को ये लगी, आलिया भट्ट जब कहती है रणबीर कपूर को कि तुम ईशा का मतलब जानते हो पार्वती, तो पार्वती तो शिवा के साथ ही अच्छी लगती है, सो यार तुम शिव पार्वती के बारे में इतना बता सकते थे एंड एक्सप्लेन कर सकते थे, और आपने जो करेक्टर बताए हैं जो आपने एनिमेशन के थ्रू दिखाए ठीक है, बट आपने जो कि माँ का रोल है रणबीर कपूर की, सो उनको भी इतना डिफाइन नहीं किया, एंड वो वाला जो पानी वाला सीन है उसको भी अच्छे से नहीं दिखाया, एटलीस्ट कम से कम 2 मिनट का स्क्रीन तो देते उसको, सो जल्दी में एक्सप्लेन किया गया है करेक्टरों को, सो इसलिए पब्लिक को मज़ा नहीं आ रहा मूवी देखने में। सो गाइज अब मूवी फुल कंप्लीट होने के बाद हम क्या देखते हैं कि उसका फर्स्ट हाफ। सो इस मूवी में हमें फर्स्ट हाफ में ओनली लव स्टोरी ही देखने के लिए मिलेगी, एंड जो ट्रेलर में दिखाया है वही सीन देखने के लिए मिलेंगे, बाकी इंटरवल तक फिर भी गूज बम्प आने लगते हैं जो इंटरवल दिखाया है। और गाइज आप क्लाइमैक्स देखिए, इतना बेकार क्लाइमैक्स मैंने मूवी का आज तक नहीं देखा यार। आप क्लाइमैक्स में आपने दिखाया कि वो करेक्टर अब जिंदा है, सो यार आपने दिखाया कि वो देवा का करेक्टर जिंदा है, सो आप ने दिखाया क्यों नहीं, उनका चेहरा क्यों नहीं दिखाया कि कोई नए एक्टर को डालते तो पब्लिक के लिए एक्साइटमेंट बढ़ जाती। आप 500 करोड़ लगा रहे हो, ऐसा क्या 100 करोड़ आपने एक्टरों को बांटा है? इतना आपने खर्चा किया है मूवी पे, इतना भी आपने दिमाग नहीं लगाया कि यार यहाँ पे किस एक्टर को ले सकता हूँ मैं? एंड मेरे को तो लग रहा शाहरुख खान को जो रोल दिया ना, फाइनल में शाहरुख खान का कैमियो होना चाहिए था, सो और मज़ा आ जाता है, एंड मेरे को लग रहा है कि वो रोल भी उनको सूट करता। ओवरऑल मुझे मूवी का म्यूज़िक अच्छा लगा, परफॉर्मेंस अच्छी लगी, सब कुछ ठीक है गाइस मूवी का। राइटिंग राइटिंग में ना जान नहीं है, बॉलीवुड वाले यहीं पे मात खा रहे हैं, आप पैसा तो अंधाधुन पैसा लगा देते हो मूवी पे, बट राइटिंग कहाँ पे आपकी? आप जो कंटेंट दिखा रहे हो उससे पब्लिक अट्रैक्ट ही नहीं हो पा रही आपकी मूवी से, सो ऐसे राइटिंग लिख कर ऐसे मूवी बनाकर कोई फ़ायदा नहीं है। आप इससे बढ़िया तो अगर इस मूवी के लिए ना किसी अच्छे डायरेक्टर से भी सलाह लेते ना, दोनों बैठ के आराम से सोचते, सो आप इस मूवी को अच्छा बना सकते थे। सुकुमार को देख लीजिए, अब उन्होंने पुष्पा पार्ट के लिए एक डायरेक्टर के साथ और बात की थी एंड उस मूवी को 3 पार्ट में बना रहे हैं वो, सो देखिए दोनों डायरेक्टर एक साथ मिलकर कुछ नया एक्सप्लेन कर रहे हैं एक दूसरे को, सो उससे परफॉर्मेंस एंड स्टोरी के बारे में सोच रहे हैं, सो इस तरह उन्हें भी किसी डायरेक्टर की हेल्प लेनी चाहिए थी एंड राइटर की कि यार मैं इस मूवी को क्या चेंजेस दिखाऊं कि पब्लिक अट्रैक्ट हो जाए। और गाइस देखिए
मूवी अगर मैं आपको बात बताऊँ, एक मास मसाला से देखोगे तो आपको मूवी अच्छी लगेगी, क्योंकि कहीं पर मिस्टेक नहीं है गाइज इस मूवी में। ओनली प्लॉट है ना जो मूवी का, आप उसे अच्छे से डिफाइन कर देते थे, एंड आपने जो कंटेंट क्या डाला, शिव पार्वती के या फिर आपको भगवान के बारे में दर्शाना चाहिए था मूवी में, आपने दिखाया साला लव एंगल, चुम्मा चाटी, ये सबसे पहले बॉलीवुड वाले दिखाते हैं। सो गाइज मेरे को तो ओनली मूवी के ना जो बेस्ट सीन लगे गाइज, देखिए शाहरुख खान की परफॉर्मेंस एंड अखिनेनी नागार्जुना। एंड आप सभी बताइए कि आप सभी को मूवी कैसी लगी है, एंड आपको किस एक्टर की ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छी लगी है, क्योंकि मैंने तो आपको ओवरऑल बता दिया कि यार पूरी मूवी एक तरफ, शाहरुख खान एक तरफ, कसम से उन्होंने 50 मिनट में ही पब्लिक को अट्रैक्ट कर दिया। एंड साला आप जिनको दो दो घंटे इतना रोल दे रहे हो, वो नहीं पब्लिक को अट्रैक्ट कर पा रहे हो, एंड उनका भी क्या कसूर है गाइस, देखिए इसमें उनको रोल भी इसी तरह का दिया गया है, क्योंकि राइटर डायरेक्टर के हाथ में होता है कि आपको किसको कितना रोल देना है। तो ओवरऑल गाइज मुझे मूवी का एक्शन अच्छा लगा, परफॉर्मेंस अच्छी लगी, एंड एक्टर जो लिए, स्टार कास्ट भी बहुत बड़ी थी, एंड मूवी के कंटेंट को भी और ज़बरदस्त बनाया जा सकता था। सो इसीलिए मैंने 30% इस मूवी को बेकार बताया, बट 70% मुझे मूवी अच्छी लगी है, क्योंकि ये जो कंटेंट है, इस तरह का जो आपने सिनेमैटिक यूनिवर्स दिखाया है एंड जो हॉलीवुड वाली फील दिखाई है, मूवी देखने में डिफरेंट लगेगी आपको। एक एक विजुअल इतने प्यार से दिखाया गया है ना, वो आपको डिफरेंट लगेगा, तो इसलिए मुझे 70% मूवी अच्छी लगी। मैं मूवी का आपको एक सीन बताता हूँ गाइस, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा, वो भी रणबीर कपूर का है। सो उनका एक सीन वही था जो मेरे को बहुत अच्छा लगा, जिसमें यार जब वो आलिया भट्ट को बचाते हैं ना, वो ब्रह्मास्त्र लेने के लिए आता है आलिया के पास, वो एक साइड होते हैं, आलिया भट्ट एक साइड होती है गेट के, एंड रणबीर कपूर उस तरफ। सो जिस हिसाब से वो जब चिल्लाकर आग को मेलते हैं ना गाइज, और जो बैकग्राउंड में म्यूजिक बजता है ना गाइज, लिटरली वो एक ऐसा सीन है जिससे इन दोनों में मेरे को गूज बम फील हुआ। बाकी इतना खास मेरे को कोई सीन उनका परफेक्ट नहीं लगा हो। सो एनीवेज गाइज, अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे सो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएं, एंड चैनल कीजिए सब्सक्राइब, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं सो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। सो गाइज मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।